हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है हाइपोथेसिस। तो इस चैप्टर के अंदर आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन। तो आज के इस वीडियो में हम जो भी प्रोसीजर देखने वाले हैं और जो भी न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने वाले हैं, अगर सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो इस चैप्टर के जो दूसरे टॉपिक्स है, दूसरे टेस्ट है, जैसे कि हो गए टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, वो सारे के सारे टेस्ट आप चुटकी बजा के उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है आप सॉल्व कर पाओगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हाइपोथेसिस का मतलब समझ लेते हैं। हाइपोथेसिस होता क्या है? आप पहले ही बोल दूं, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में जेड टेस्ट, टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, जितनी भी टेस्ट है सबका बेसिक आ जाएगा। तो आपको वो जब नए वीडियोस आप देखोगे अलग अलग टेस्ट के, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। खैर, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो हाइपोथेसिस यानी क्या कि सपोज करते हैं हमारे पास कुछ एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो सैंपल साइज है उसका, पॉपुलेशन का साइज है वो बोल देते हैं हमारा 10,000 लोग है, उसको हम बोल देंगे क्या, पॉपुलेशन का साइज। अब वो जो 10,000 लोग है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, उसमें से हम कुछ सैंपल ले रहे हैं, सैंपल रहे ले यानी स्मॉल एन, सैंपल साइज कुछ ले रहे हैं। सपोज करते हैं हम 10,000 में से 100 लोगों को हम पूछ रहे हैं, उन 10,000 में से सिर्फ 100 लोगों को ही पूछ रहे हैं। 10,000 के 10,000 लोगों को पूछना तो पॉसिबल है नहीं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो 10,000 में से हमने एक सैंपल लिया, उस 100 लोगों का, 100 लोगों को हमने पूछा कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो हमें ऐसा जानने को मिला कि 100 लोगों में से 75% जो लोग है वो मेल है और बचे कितने, 25% वो क्या है, फीमेल है। अब यहां पे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि ये जो सैंपल हमने जो लिया वो सैंपल में हमें ये बता रहा है, यानी उसका हाइपोथेसिस, उसका मानना ये है हाइपोथेसिस यानी कि 75% मेल है। तो क्या यहां पे जो हमें हाइपोथेसिस मिला, यहां पे जो हमें कंक्लूजन मिला 75% लोग मेल है, ये कंक्लूजन क्या हम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ 10,000 जो लोग है उसमें भी 75% मेल होंगे और 25% फीमेल होंगे? तो हम ऐसा बोल तो नहीं सकते। क्यों? हमने तो सिर्फ 100 लोगों को पूछा है, हमारा सैंपल कितना है, एन 100 का है, और 100 में से हमने डिसीजन लिया है क्या 75% मेल है, और ये 100 का हम यहां पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर हमें अप्लाई करना है हाँ 75% मेल है या नहीं, वो चेक हमें करना पड़ेगा। ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाया 75% मेल का, वो हमें इस पे लगाने से पहले चेक करना पड़ेगा। तो वो अगर हमें चेक करना है तो उसकी टेस्ट आती है। वो टेस्ट कौन कौन सी आती है? जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये सारी टेस्ट जो होती है वो हमें एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल पे चेक करनी होती है, जिसे हम अल्फा बोलते हैं। और वो न्यूमेरिकल के में देख के रखा होगा कि कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमें चेक करना है, और अगर न्यूमेरिकल में अल्फा का वैल्यू नहीं देके रखा है तो हमें अज्यूम करना होगा कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 0.05 पे हमें चेक करना होगा। अगर चेक किया और करेक्ट निकला तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई, ये 75% जो बोल रहे हैं सैंपल में मेल है, तो वो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ इधर भी 75% टोटल मेल होंगे। और अगर टेस्ट फेल हो गया तो हम बोल देंगे कि भाई यहाँ पे तो बराबर है 75%, लेकिन ये जो हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है नहीं, यहाँ पे हम लगा पाएंगे नहीं। अब कैसे हो तो न्यूमेरिकल देखेंगे तब धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी फिलहाल सुनते चलो, लिखते चलो, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये है क्या चीज अल्फा, अल्फा यानी क्या परसेंटेज ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल, यानी ये जो हम चेक करने वाले हैं, यहाँ पे जो पॉपुलेशन में ये सैंपल में जो हमें आंसर मिला उसको हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, तो उसके कुछ एक्यूरेसी लेवल होंगे, जैसे कि 1% एक्यूरेसी पे चेक करना है या सिग्निफिकेंस लेवल पे चेक करना है, 5% पे करना है या 10% पे करना है। तो ये अल्फा का एक टेबल हमें कंपल्सरी याद रखना पड़ेगा अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो ये रहा टेबल, ये स्टैंडर्ड टेबल है, ये हमें याद रखना होगा। यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू, यहाँ पे है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कौन से लेवल पे हमें चेक करना है, 1% पे, 5% पे या 10% पे। अगर नहीं देके रखा है अल्फा का वैल्यू किस कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है, तो हमें सीधा ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना होगा,
ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन हम देखेंगे, फर्स्ट लाइन किसकी है, टू टेल्ड टेस्ट की है। अगर न्यूमेरिकल के अंदर हमें पता लग जाए कि न्यूमेरिकल के अंदर टू टेल टेस्ट लग रहा है, तब हमें ये वाली लाइन याद रखनी है, ठीक है। यानी अगर 1% है तो ये वैल्यू याद रखेंगे, जेड यानी क्रिटिकल वैल्यू याद रखना, टेबल की क्रिटिकल वैल्यू, टेबल की क्रिटिकल वैल्यू। और कैलकुलेट करके दूसरी भी एक वैल्यू हम लाने वाले हैं, यानी जेड की दो वैल्यू होगी हमारे पास, एक तो न्यूमेरिकल के अंदर जो हमने कैलकुलेट करी है क्रिटिकल वैल्यू जेड की वो, और दूसरी अगर 5% सिग्निफिकेंस लेवल देके रखा है और अगर टू टेल टेस्ट लग रहा है तो ये वाली वैल्यू याद रख लेंगे 1.96, ठीक है। फिर कंपेयर करेंगे वो कैसे आगे देख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन आएगा कि सर न्यूमेरिकल के अंदर टू टेल टेस्ट लग रहा है कि नहीं, वो कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे पता लगाए। तो उसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर ग्रेटर देन या लेस देन जैसे वर्ड का यूज ना किया गया हो, ग्रेटर देन और लेस देन जैसे वर्ड का यूज ना किया गया हो, तब हम टू टेल टेस्ट लगा देंगे। क्लियर ये वाली बात। अब अगर न्यूमेरिकल में से पता लगा हमें कि न्यूमेरिकल के अंदर वन टेल टेस्ट लग रहा है, वन टेल टेस्ट के वापस दो टाइप आते हैं, पहला होता है राइट साइड टेस्ट और दूसरा होता है लेफ्ट साइड टेस्ट। तो अगर न्यूमेरिकल के अंदर वन टेल टेस्ट लग रहा है तो हम ये वाली वैल्यू याद रखेंगे। अगर हमें न्यूमेरिकल में 10% पे चेक करने को बोला है और अगर वन टेल टेस्ट वो भी कौन सा राइट साइड टेस्ट लग रहा है, तो हम ये वाली वैल्यू देख लेंगे और जेड जो कैलकुलेट करेंगे उसके उसे और इसे कंपेयर करा देंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि वन टेल टेस्ट और वो भी राइट साइड टेस्ट लग रहा है, वो कैसे पता लगाए। तो उसके लिए न्यूमेरिकल के अंदर ही ग्रेटर देन वर्ड यूज किया होगा या मोर देन वर्ड यूज किया होगा। ग्रेटर देन यानी क्या, ऐसे हम लिख सकते हैं 6 > 5, ठीक है। ग्रेटर देन का सिंबल ये रहा, यहाँ पे एक साइड टेल दिख रही है हमें, ये कौन सी साइड है, ये वन ही टेल है, ये कौन सी साइड है, राइट साइड पे है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, राइट साइड टेस्ट हो गया या वन टेल टेस्ट हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। उसी तरीके से अगर न्यूमेरिकल के अंदर हमें पता चला कि वन टेल टेस्ट ही है लेकिन कौन सा है, लेफ्ट साइड टेस्ट है, तो हम ये वाली वैल्यू याद रखेंगे। अगर न्यूमेरिकल के अंदर हमें बोल के रखा है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर चेक करो, तो हम ये वाली वैल्यू याद रख लेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि वन टेल टेस्ट है कैसे पता लगा और वो भी लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। तो उसके लिए न्यूमेरिकल के अंदर हमें कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, कैसे वर्ड लिखे होंगे, लेस देन वर्ड यूज किया होगा। लेस देन यानी क्या, लेस देन यानी क्या, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, जैसे कि 5 < 6, ठीक है। तो ये लेस देन का सिंबल हो गया, यहाँ पे वन टेल ये साइड है, कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, लेफ्ट टेल टेस्ट। सो आई होप ये टेबल में भी थोड़ा बहुत अभी फिलहाल कुछ समझ में आया होगा। अब हम इसकी प्रोसीजर देख लेते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है, और ये प्रोसीजर और पिछला जितना भी हमने देखा वो सारी टेस्ट में कुछ ना कुछ अप्लाई होने वाला है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, ठीक है। अब ये प्रोसीजर कॉमन है, कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो स्टेप वन में हम मान लेंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस यानी क्या, हाँ जो देके रखा है वो करेक्ट है, जो देके रखा है वो करेक्ट है, यानी हाँ पी का वैल्यू पी नॉट के बराबर है, यानी कि हाँ ये जो 75% लोग मेल है वो बराबर है, देके जो हाइपोथेसिस रखा है बराबर है, हम अप्लाई कर सकते हैं। सैंपल क्या है हमारा 75, तो वो हम जो हमारा मेन जो पॉपुलेशन है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी हाँ जो है हाइपोथेसिस देके रखा है वो सिग्निफिकेंट है, वो बराबर है, ठीक है। अब ये तो हमने बोल दिया हाँ बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता, यानी इसको हमें किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ये अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस के साथ। अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस को एच ई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बुक में एच वन से रिप्रेजेंट करते हैं, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पहला तो क्या मान लिया, नल हाइपोथेसिस जो न्यूमेरिकल में देखिए रखा है वो बराबर है, ठीक है, तो मान लिया पी बराबर पी नॉट है। अच्छा अब अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस यानी क्या, कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर टू टेल टेस्ट लग रहा है, टू टेल टेस्ट लग रहा है यानी ग्रेटर देन लेस देन जैसे वर्ड यूज नहीं किए गए हैं, टू टेल टेस्ट लग रहा है, तो हम बोल देंगे कि जो पी का वैल्यू है वो पी नॉट के बराबर नहीं, यानी 75% है नहीं, 75% मेल है नहीं, या फिर अगर न्यूमेरिकल में वन टेल टेस्ट लग रहा है, वो भी राइट साइड वाला, तो हम क्या बोल देंगे, पी इज ग्रेटर देन पी नॉट, ये वर्ड कौन सा हो गया, ग्रेटर वर्ड यूज आ गया, और ये यहाँ पे कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड पे, ये जो सॉरी राइट साइड पे है, तो राइट साइड टेस्ट हो गया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में अगर राइट हैंड टेल साइड टेस्ट होगा तो हम बोल देंगे पी का वैल्यू कैसा है, पी नॉट, यानी कि 75% से ज्यादा लोग मेल है। उसी तरीके से अगर न्यूमेरिकल में से हमें पता लगा कि लेफ्ट साइड टेस्ट है, लेफ्ट साइड टेस्ट, तो क्या बोल देंगे, 75% से कम लोग, 75% से कम लोग, लेकिन लेस देन वर्ड यूज किया होगा, लेस देन, ये हो गया हमारा साइन लेस देन का, लेस देन, ये कौन सी साइड टेल है इसकी, ये कौन सी साइड टेल है, लेफ्ट साइड है, तो 75% से कम यानी पी लेस देन पी नॉट, ऐसा हम
मान लेंगे, किसमें, हाइपोथेसिस में। शायद से समझ में आई होगी ये बात, ठीक है। यानी कि ये तो नल हाइपोथेसिस मान लिया एज इट इज, जो है वो बराबर है न्यूमेरिकल में, या फिर ये तीन में से 1, 2, 3 तीन में से एक सिलेक्ट करेंगे। वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, टू टेल टेस्ट है तो ये, वन टेल राइट है तो ये, टू टेल लेफ्ट है तो ये, ठीक है। स्टेप टू में हम क्या करेंगे, स्टेप टू में हम इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक इक्वेशन है उसमें से जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा, एक तो हो गया कैलकुलेटेड जेड और दूसरा कौन सा, वो टेबल वाला जेड, ठीक है। पी माइनस पी नॉट डिवाइडेड माइनस कॉन्ट्रो पी नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, ठीक है। अब यहाँ पे P क्या है, ये है सैंपल प्रोपोर्शन, स्मॉल p क्या है, सैंपल प्रोपोर्शन। सैंपल प्रोपोर्शन हमें निकालना होगा, कैसे सैंपल प्रोपोर्शन हमें निकालना होगा, x बाय n, n तो क्या हो गया, n हमारा हो गया सैंपल साइज, वो तो देखे रखा होगा, 100 था पिछले केस में, 10,000 में से 100 लिए थे। अच्छा x क्या हो गया कि 100 में से सपोज 40 लोग ने बोला हम मेल है, तो 40 क्या हो गया x, यानी 40 क्या, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन सैंपल, कितने लोग है प्रेजेंट है जो बोल रहे हैं हम मेल है, ये एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है। x बाय n और x दे के रखा होगा हमेशा, ठीक है। x बाय n से हम क्या ढूंढ लेंगे, p का वैल्यू ढूंढ लेंगे, ये p का वैल्यू हम यहां रख देंगे। p नॉट क्या होता है, p नॉट होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, क्या होता है, ये सैंपल प्रोपोर्शन ढूंढना है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दे के रखा होगा 75% है कि नहीं चेक करो, जिसपे चेक करना है उसे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बोल देंगे, लिखते रहना सारी चीज, ठीक है। अब p नॉट अगर हमें मिल चुका है, अगर दिया हुआ है तो क्यू नॉट भी ढूंढ सकते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी में एक चीज पढ़ी थी, याद हो तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो p नॉट प्लस क्यू नॉट इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की जो अगर प्लस करे तो 100 से तो ज्यादा हो नहीं सकती। जैसे कि हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा, शायद से बेसिक साइज समझ में आ गया होगा आपको। तो क्यू नॉट का क्या हो गया, वैल्यू 1 माइनस पी नॉट हो गया, तो क्यू नॉट भी मिल जाएगा, क्यू नॉट यहाँ पे रख दिया, कुछ जेड का आंसर हमें मिल जाएगा। बस अब हमें जेड का आंसर मिल चुका है, तो टेबल पे से जो जेड है उसको और ये जेड को हम कंपेयर कराएंगे, ठीक है। कैसे कंपेयर कराएंगे, तो स्टेप थ्री में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर अगर न्यूमेरिकल के अंदर हमारा टू टेल टेस्ट है तभी ये फर्स्ट लाइन यूज करनी है, तभी ये कंडीशन यूज करनी है, अगर टू टेल टेस्ट है तो। ये क्या बोलता है कि जो हमने जेड ढूंढा है, ये कैलकुलेट किया है, वो अगर जेड अल्फा बाई टू, यानी ये जो टेबल की जो वैल्यू थी, टेबल की वैल्यू थी उससे बड़ी या उसके बराबर आती है, तो हम क्या बोल देंगे, जो हमारा एच नॉट है, एच नॉट नल हाइपोथेसिस, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, बोल देंगे कि नहीं 75% लोग पढ़े मेल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे, अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट किया यानी 75% लोग मेल है नहीं, सिलेक्ट कर लिया हमने। अब ये जेड अल्फा बाई टू का वैल्यू कहां से ढूंढेंगे, सपोज करते हैं 5% हमें सिग्निफिकेंस लेवल देके रखा है, 5%, तो यहाँ पे टू टेल टेस्ट है, ठीक है, टू टेल टेस्ट और 5% यानी 1.96 ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू यहां से कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू सपोज आ गया 5 और ये वाला कौन सा है 2.96, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अगर ग्रेटर है तो क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, और अगर ग्रेटर नहीं है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, कैलकुलेटेड जेड और टेबल से जो जेड हम ले रहे हैं वो, अगर ये कंडीशन सब सेटिस्फाई हो गई तो एच नॉट को रिजेक्ट कर देना और ये अपना अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा अगर न्यूमेरिकल बेस से हमें पता लगा कि वन टेल टेस्ट है, यानी राइट साइड, वो भी राइट साइड वाला है, राइट साइड वाला है, तो ये वाली लाइन का यूज करना है। यहाँ पे Z जो कैलकुलेटेड है वो, और Z अल्फा कहाँ से लाएंगे, वो टेबल पे से लाएंगे। टेबल पे से कैसे लाएंगे, सपोज करते हैं 1% लेवल सिग्निफिकेंस न्यूमेरिकल में देके रखा है, तो कौन सा टेस्ट है, राइट साइड वाला टेस्ट है, 1% यानी ये वाली वैल्यू याद रखेंगे 2.33, ठीक है। तो ये अपना सपोज करते हैं ये 2.33 और ये कुछ वैल्यू Z की कैलकुलेट करी होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम जो नल हाइपोथेसिस एच नॉट है उसे रिजेक्ट कर देंगे, ये वाला जो है 75% लोग मेल है उसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, नहीं है इतने। अच्छा या फिर अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एक्सेप्ट कर लेंगे। लास्ट में अगर हमें पता लगा कि लेफ्ट साइड टेस्ट है, लेफ्ट साइड टेस्ट यानी लेस देन जैसा साइन होगा या लेस देन वर्ड यूज किया होगा, तब बोल देंगे कि जो कैलकुलेट वैल्यू की है हमने जेड की, वो लेस देन जेड अल्फा है, तो हम क्या कर देंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, यानी इसको रिजेक्ट कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। किसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्यों, ये भी वन टेल टेस्ट, कौन सा, लेफ्ट साइड, ये एक्सेप्ट हो जाएगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब जेड अल्फा का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड का सपोज करते हैं 10% पे पूछा है, लेफ्ट साइड ये रहा हमारा, 10% पे कितना है, -128, ठीक है। ये वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करा देंगे,
कैलकुलेटेड वैल्यू और जो अभी देखी माइनस वाली वैल्यू कंपेयर करा देंगे। और लास्ट स्टेप क्या है, मेक डिसीजन। अब इसमें से जो आंसर निकल के आते हैं उसमें से बोल देंगे कि हाँ जो दिया गया हाइपोथेसिस है वो सही है या नहीं है, या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, 75% लोग मेल है या नहीं है, वो हमें डिसाइड करना है, वो उसका आंसर हो जाएगा। खैर अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल फर्स्ट है कि इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 85 वर्कर, यानी पॉपुलेशन में से रैंडम सैंपल यानी स्मॉल एन हमने 85 का ले लिया वर्कर का फैक्ट्री में से। 18 वर मैरिड, कितने मैरिड है वो जो सैंपल लिया उसमें से एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 18 लोग मैरिड है, ठीक है। अब बोला क्या है, कैन वी कंक्लूड दैट 20% ऑफ वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री आर मैरिड, यानी जो पूरा पॉपुलेशन जो है सैंपल का पूरा पॉपुलेशन प्रपोर्शन जो है वो पूरे पॉपुलेशन प्रपोर्शन 25% लोग मैरिड होंगे। पॉपुलेशन प्रपोर्शन यानी पी नॉट, अभी हमने देखा 20% यानी 0.2 फ्रैक्शन में देके रखा है। इन शॉर्ट फ्रैक्शन में चीज देके रखी हो या परसेंटेज में देके रखी हो, ये परसेंटेज में है, फ्रैक्शन यानी पॉइंट में, तो हमेशा पी नॉट होगा, ये ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो पी नॉट देके रखा है, पी नॉट है तो हमें पता है पी नॉट प्लस क्यू नॉट इक्वल टू 1, तो क्यू नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट, 1 माइनस 0.2, तो क्यू नॉट कितना मिल जाएगा 0.8 मिल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें सोचना है कि ये न्यूमेरिकल में कौन सा टेस्ट लगेगा, टू टेल टेस्ट लगेगा, राइट साइड टेस्ट लगेगा, लेफ्ट साइड टेस्ट लगेगा। तो न्यूमेरिकल के अंदर कहां पे भी लेस देन या ग्रेटर देन वर्ड का यूज नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, यानी कि यहां पे कौन सा टेस्ट लगने वाला है, यहां पे कौन सा टेस्ट लगने वाला है, टू टेल टेस्ट लगने वाला है, यानी नॉट इक्वल्स टू का साइन आएगा, ठीक है। अब भी देखा ये रहा टू टेल टेस्ट, नॉट इक्वल टू का साइन, यानी ये दो लेंगे नहीं, ये वाला ले लेंगे, ये तो हर एक न्यूमेरिकल में लेना है, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, अब बाद में हम क्या करेंगे, स्टेप वन अप्लाई करेंगे, नल हाइपोथेसिस क्या है, पी इज इक्वल टू पी नॉट, यानी हाँ कि भाई जो वर्कर है पूरी फैक्ट्री में से उसमें से 20% लोग क्या है, मैरिड है, यानी 0.2 लिख सकेंगे, ठीक है। वर्सेस नल अपना अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस कौन सा, टू टेल टेस्ट का, यहाँ पे ग्रेटर लेस वर्ड यूज नहीं किया है, टू टेल का, पी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट, यानी 20% वर्कर जो है वो मैरिड नहीं है। पूछ क्या रहा है कि हाँ क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं 20% मैरिड है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका हमें कंक्लूजन निकाल के देना है, हाँ के नाम में जवाब देना है। तो पहले तो बोल देंगे हर एक न्यूमेरिकल में हाँ है, दूसरे में क्या बोल देंगे, एज पर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, टू टेल हो तो कुछ, वन टेल हो तो कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे टू टेल है तो बोल देंगे कि भाई 20% वर्कर नहीं है मैरिड, ठीक है। स्टेप टू में क्या करेंगे, स्टेटिस्टिक्स का यूज करेंगे, जो देखा था जेड इक्वल टू स्मॉल पी माइनस पी नॉट अंडरस्कोर पी नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाय एन। स्मॉल पी कैसे ढूंढते थे, एक्स बाय एन, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने लोग प्रेजेंट है मैरिड है बोल रहे हैं, 18 डिवाइड बाय सैंपल साइज कितना का 85, तो स्मॉल पी कितना आ जाएगा 0.2118, बस स्मॉल पी यहाँ पे रख दो, ये रहा स्मॉल पी, और कैपिटल पी नॉट ये रहा 0.2, वो यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अंडरस्कोर ऑफ पी नॉट क्यू नॉट, पी नॉट है हमारे पास 0.2 0.8 डिवाइडेड बाय एन, सैंपल साइज कितना है 85, इसको सॉल्व करोगे तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, जेड का वैल्यू आएगा 0.2706, ठीक है। अब ये जेड की वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या चाहिए, जेड अल्फा या जेड अल्फा बाय 2, कुछ भी नाम दे सकते हो, अल्फा बाई 2। अब इसका तो टेबल है, ठीक है, इसका तो टेबल है, इसके डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज लेवल है, 1%, 5%, 10% अभी देखा, यहाँ पे परसेंटेज लेवल दिया नहीं है, अल्फा का वैल्यू दिया नहीं है, तो अभी हमने क्या सीखा था, नहीं दे के रखा है अल्फा का वैल्यू, तो हम कितना अज्यूम कर लेंगे, 5% कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, 5% पे देखेंगे, 5% पे देखेंगे, 5% पे इसका वैल्यू अभी हमने देखा था, कहाँ गया, 5% पे, 5% पे वैल्यू, 5% पे वैल्यू हमने देखा था, ये 5% है, कौन सा टेल टेस्ट लग रहा है, कौन सा टेस्ट, टू टेल टेस्ट, ग्रेटर लेस वर्ड यूज नहीं हो रहा है, यानी टू टेल टेस्ट 5% पे, यानी कितना है 1.96, तो बस यही याद रखेंगे 1.96 कितना है, 1.96, ठीक है, समझ में आ गया कैसे लिया। बस अब कंक्लूजन कैसे निकालना है, अब भी हमने देखा ये किसके लिए, फर्स्ट लाइन टू टेल टेस्ट के लिए, तो बस यही फर्स्ट लाइन लिखेंगे हम, z ग्रेटर देन और इक्वल्स टू z अल्फा, तो रिजेक्ट h नॉट, तो वही लिखा है z ग्रेटर देन और इक्वल्स टू z अल्फा बाय 2, रिजेक्ट h नॉट अदरवाइज एक्सेप्ट h नॉट। यहां पे z का वैल्यू कितना है 0.276, तो z का वैल्यू लिख लिया हमने, और टेबल पे से हमने कितना ढूंढा था 1.96, तो ये वैल्यू क्या बड़ा है इससे, नहीं बड़ा है, नहीं
नहीं बढ़ा है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर सेटिस्फाई होती तो रिजेक्ट कर देते हम एच नॉट को, या अगर सेटिस्फाई होती तो एच नॉट को रिजेक्ट कर देते। सेटिस्फाई नहीं हो रही है यानी एच नॉट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी एच नॉट को हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। एच नॉट क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, हाँ पी बराबर पी नॉट, यानी 20% वर्कर मैरिड है, तो हम बोल देंगे पी बराबर पी नॉट, हाँ 20% वर्कर मैरिड है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब तो ये तो कौन सा था, टू टेल का। अब सिंगल टेल का देखते हैं। तो यहां पे लिखा है अमोंग 80 वेजिटेबल्स, यानी सैंपल निकाल के रखा है, एंड 80 वेजिटेबल्स विच आर रेंडमली पुल्ड आउट फ्रॉम अ फील्ड, ठीक है, 11 वर इन्फेक्टेड, 11 इन्फेक्टेड थे, यानी कितने आर्टिब्यूट्स प्रेजेंट है, एक्स कितने प्रेजेंट है, 11 कैसे है, इन्फेक्टेड है, 11 सड़े हुए हैं। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट लेस देन 25% वेजिटेबल्स आर इन्फेक्टेड, यानी ये क्या देखे रखा है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन परसेंटेज में दिया होगा या फ्रैक्शन में दिया होगा, किसका वैल्यू, पी नॉट का पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 25 यानी 0.25। P नॉट का वैल्यू है तो P नॉट प्लस Q नॉट बराबर 1 है, तो Q नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस P नॉट, तो 1 माइनस 0.725, तो Q नॉट का भी वैल्यू मिल जाएगा 0.75। समझ में आ गया। अब हमें डिसाइड करना है कौन सा टेस्ट लगेगा, तो इसके अंदर क्या ग्रेटर और लेस ऐसे कुछ वर्ड यूज किए, हाँ यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है, लेस देन 25%। लेस देन यानी ये होता है, ये होता है 5, लेस देन 6, लेस ये कौन सा है, 1 टेल, कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो कौन सा टेस्ट यूज होगा, 1 टेल, कौन सा, लेफ्ट साइड टेस्ट वाला, ठीक है। अच्छा तो इतनी बात समझ में आ गई। और कौन से परसेंटेज लेवल पे चेक करना है, सिग्निफिकेंस दिया नहीं है अल्फा का वैल्यू, हम अज्यूम कर देंगे 5% पे चेक करना है, इतने तक समझ में आ गया, लेफ्ट साइड टेस्ट करना है अल्फा 0.5%, ठीक है। अब स्टेप 1 से चालू करते हैं, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या, पी बराबर पी नॉट, पी बराबर पी नॉट कितना है, 0.25, यानी 25% सब्जियां इन्फेक्टेड है। वर्सेस अब हमें, हमने तीन देखा था, कौन सा तीन देखा था, याद है, वापस एक बार देख लेते हैं, ये वाला किसके लिए, पी नॉट इक्वल टू पी नॉट, टू टेल तो है नहीं, कौन सा है हमारा, 1 टेल, कौन सा, लेफ्ट साइड वाला, तो P इज लेस देन पी नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे P इज लेस देन पी नॉट, कौन सा है, टेल, लेफ्ट साइड वाला, क्यों लेफ्ट साइड वाला, लेस देन वर्ड यूज किया है, लेस देन वर्ड यूज किया है इसलिए, ठीक है, यानी 0.25 से कम, 25% से कम सब्जियां सड़ी हुई है, जो कि टेस्ट करने को पूछा है, क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 25% से इससे कम सब्जियां इन्फेक्टेड है, तो क्या हम बोल सकते हैं 25% से कम सब्जियां सड़ी हुई है, ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, z बराबर p माइनस p नॉट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ये, p क्या बोलते थे हम, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैसे ढूंढते थे, x बाई n, नंबर ऑफ आर्टिब्यूट्स कितनी सड़ी हुई सब्जी है, 11 डिवाइड बाय सैंपल कितनी सब्जियों का लिए, 80, तो p का वैल्यू मिल जाएगा 0.1375, तो ये p का वैल्यू लिख दिया, p नॉट का वैल्यू 0.25 देखे रखा है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ p नॉट q नॉट का वैल्यू आ गया, p नॉट q नॉट का वैल्यू आ गया, सैंपल साइज 85 आ गया, तो यहाँ पे ऊपर माइनस साइन लगेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है छोटा है, ये वैल्यू बड़ा है, तो माइनस साइन आ जाएगा इधर, ठीक है, माइनस साइन आ गया, तो फाइनल z का कैलकुलेटेड वैल्यू कितना आ गया, 2.34 माइनस में कुछ आंसर आ गया। अब ये z का वैल्यू जो आया, उसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा टेबल के वैल्यू से। टेबल के वैल्यू से कैसे कंपेयर करेंगे, 5% सिग्निफिकेंस कौन सा टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है, लेफ्ट साइड टेस्ट है, लेफ्ट साइड टेस्ट है, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं, लेफ्ट साइड टेस्ट में कंपेयर कर लेते हैं, लेफ्ट साइड टेस्ट ये रहा, अज्यूम किया 5%, ये लेफ्ट साइड, यानी कितना आया, जेड अल्फा -1.645, तो यहाँ पे 5% पे जेड अल्फा कितना है, -1.645 है, ठीक है। अब हमें डिसीजन लेना है, डिसीजन कैसे लेंगे, तो डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट किसके लिए काम आएगा, टू टेल के लिए। सेकंड किसके लिए आएगा, राइट साइड हो तो, हमारा राइट साइड है नहीं, हमारा कौन सा है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड के लिए ये वाला स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, कौन सा, जेड लेस देन और इक्वल टू जेड अल्फा होता है तो एच नॉट को रिजेक्ट कर दो, यहाँ पे लिखा है जेड लेस देन और इक्वल टू जेड अल्फा होता है तो एच नॉट को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जेड कितना है, 0.-2.3 ये जो है वो, और जेड अल्फा कितना है, जेड अल्फा ये रहा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं -2 कम है, -1 ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जेड का वैल्यू कम है किससे, इससे, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, एच नॉट को रिजेक्ट कर दो, तो यहाँ पे लिखा सो रिजेक्ट एच नॉट, एच नॉट कौन सा था हमारा, एच नॉट कौन सा था, पी बराबर पी नॉट, यानी 25% सब्जी इन्फेक्टेड है, उसको रिजेक्ट करना है, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, यानी ये एक्सेप्ट हो गया, क्या हो गया, 25% से कम सब्जियां हमारे
तुम्हारी इन्फेक्टेड है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो हम लिख लेंगे हियर लेस देन 25% वेजिटेबल्स आर इन्फेक्टेड, यानी ये जो देके रखा है हाइपोथेसिस, कौन सा टेस्ट हाइपोथेसिस, दैट लेस देन 25% वेजिटेबल्स आर इन्फेक्टेड, ये हाइपोथेसिस गिवन हाइपोथेसिस है, वो कैसा है, गिवन हाइपोथेसिस इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब एक राइट टेल टेस्ट देख लेते हैं, यानी सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। इन एन इलेक्शन, इलेक्शन में द लीडर ऑफ अ पार्टी कंटेंट यानी दावा कर रहा है दैट दे वुड सिक्योर मोर देन 36% वोट्स, यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन देके रखा है परसेंटेज में, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी नॉट 36% से ज्यादा उनके वोट आएंगे। अ प्री पोल सर्वे ऑफ 400 वोटर्स, यानी सैंपल लिया सारे वोटर्स में से, कितने सैंपल लिए 400, ठीक है, रिवील दैट द परसेंटेज इज 42, यानी जो सैंपल प्रोपोर्शन है वो भी देके रखा है। पहले क्या होता था, x बाई एन करते थे, पहले क्या करते थे, p बराबर x बाई एन करते थे, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली हमें देके रखा है, उन्होंने क्या बोला 42% बोल रहे हैं क्या, रिवील दैट द परसेंटेज इज 42, तो डायरेक्टली p का वैल्यू देके रखा है कितना है 0.42, तो यानी 0.4 या 0.42 यहाँ लिखने में मिस्टेक किया लगता है, ठीक है 0.42, ठीक है, और अल्फा का वैल्यू है नहीं तो हम अल्फा 5% ले लेंगे, पी नॉट देके रखा है, पी नॉट पे से हम क्या कर लेंगे, पी नॉट प्लस क्यू नॉट इक्वल टू 1, क्यू नॉट इक्वल टू ये, तो पी नॉट 1 माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा क्यू नॉट का वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कौन सा टेस्ट लगा है, तो यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया है, वर्ड कौन सा यूज किया है, क्या बोल रहा है ये, मोर देन 36, मोर देन ग्रेटर देन 36, ग्रेटर देन ये ग्रेटर 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर वर्ड, ये कौन सा है राइट साइड, राइट टेल टेस्ट, तो कौन सा टेस्ट लगेगा, राइट टेल टेस्ट लगेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, बस तो अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पी डायरेक्टली देके रखा है सैंपल प्रोपोर्शन, तो स्टेप वन क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या, पी बराबर पी नॉट, हाँ बोल दिया 0.36 वोट होंगे। इसमें पूछा क्या है, टेस्ट क्या करना है, वेदर द पोल सपोर्ट्स द लीडर्स क्लेम, यानी जो लीडर बोल रहा है 36 से ज्यादा होगा, क्या बात सही है, तो पहले तो नल हाइपोथेसिस में बोलेंगे कि 0.36 के बराबर होगा हमेशा, वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में तीन देखे थे हमने, पहला नॉट इक्वल्स टू का साइन था किसके लिए, टू टेल टेस्ट के लिए, दूसरा था कौन सा ग्रेटर देन का साइन किसके लिए, वन टेल टेस्ट राइट के लिए, और दूसरा लेस देन का साइन था, यहाँ पे ग्रेटर देन है साइन, यानी राइट साइड टेस्ट है जो हमने डिसाइड किया, क्या बोला है मोर देन ग्रेटर देन, तो ये वाला तो हम बोलेंगे पी ग्रेटर देन पी नॉट, यानी कि 36% से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं, दोनों में से हमें चेक करना है। अच्छा, स्टेप टू में क्या बोलेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जेड पी माइनस पी नॉट, ये सारा तो मालूम है, पी डायरेक्टली देके रखा है 0.42, पी नॉट यहाँ पे देके रखा है 0.36 डिवाइड बाय 0.36 इनटू क्यू नॉट 0.64 डिवाइड बाय सैंपल साइज कितना है, 400 वोटर्स लिए हैं, तो जेड का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2.4489। ठीक है, अब ये जेड का आंसर हम कंपेयर कराएंगे किससे, टेबल से कंपेयर कराएंगे, परसेंटेज ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल देके रखा नहीं है तो 5% अज्यूम कर दिया, तो एट 5% ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा का वैल्यू कितना होगा, कौन सा है राइट टेल टेस्ट है, कौन सा है राइट टेल टेस्ट है, तो राइट टेल टेस्ट ये रहा राइट टेल टेस्ट, और कितना 5, तो 5% 1.645, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1.645, ठीक है 1.645, ठीक है, ये 1.645 राइट टेल टेस्ट है, राइट टेल टेस्ट लेफ्ट साइड आइए तो अलग दूसरा स्लाइड ले लिया हमने, 1.645 लिख लिया हमने। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब जो तीन स्टेटमेंट थे उसमें से दूसरा स्टेटमेंट लेंगे, क्यों दूसरा स्टेटमेंट लेंगे, यहाँ पे कौन सा है राइट साइड टेस्ट है, राइट साइड टेस्ट है, तो राइट साइड टेस्ट कौन सा था, राइट साइड टेस्ट का ये दूसरा स्टेटमेंट था, तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे, जेड का वैल्यू जेड अल्फा से बड़ा आया तो अल्फा तो एच नॉट रिजेक्ट कर देंगे, तो वही यहाँ पे लिखा है क्या कि जेड का वैल्यू जेड अल्फा से बड़ा आया तो एच नॉट को रिजेक्ट कर लो, अदरवाइज उसे एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पे एच जेड का वैल्यू क्या है 2.489, तो z का वैल्यू 2.4489 लिख लिया, z अल्फा टेबल पे से कितना मिला, इतना मिला, यानी कि हाँ ये दो बड़ा है इससे, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो h नॉट को रिजेक्ट कर लो, तो रिजेक्ट h नॉट, अगर h नॉट को रिजेक्ट किया, अगर h नॉट को रिजेक्ट किया तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये क्या बोलता है हाँ 36% से ज्यादा वोट आएंगे, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, किसको, इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो बोल देंगे हाँ 36% से ज्यादा वोट आएंगे, यानी कि जो पोल ने जो सर्वे दिया था, कौन सा सर्वे 36% वाला, यानी ये वाला 42% वाला के 36 से ज्यादा इसका मिलना चाहिए जो सर्वे पोल ने दिया था, वो लीडर को सपोर्ट करेगा, उसके क्लेम को, उसके दावे को सपोर्ट करेगा, यानी हाँ वो सिग्निफिकेंट होगा, बराबर बोल रहा है लीडर हमारा। ठीक है,
तो सारी वेराइटीज हमने देख ली है, ठीक है। और ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर से कमेंट करके बोलना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।